नमस्कार दोस्तों, आपका हार्दिक स्वागत है हमारे आज के इस नए वीडियो में। दोस्तों आज हम डिस्कस करेंगे एक्यूप्रेशर के बारे में। एक्यूप्रेशर को लेकर के हमने पहले भी वीडियोस बनाए हैं और उनको काफी अच्छा रिस्पांस भी मिला है। तो दोस्तों आज एक और वीडियो इस सीरीज में पेश करने जा रहे हैं। इसमें हम एक्यूप्रेशर के बारे में डिस्कस करेंगे जो कि पैरों से संबंधित है और पैरों के तलवे जिसको कहते हैं, जो पैर का बेस होता है, उसके ऊपर कुछ पॉइंट्स होते हैं जो कि आयुर्वेद में बताए गए हैं। तो दोस्तों आज हम देखेंगे तलवों पे कौन से पॉइंट्स हैं जो कि डिफरेंट ऑर्गन्स को रिप्रेजेंट करते हैं और उनको स्टिमुलेट करने से या उन पे प्रेशर डालने से या उनकी मसाज करने से कैसे उन ऑर्गन्स में अगर कोई प्रॉब्लम है तो उसको ठीक करने में हेल्प मिलती है। तो ये दोस्तों बिना देरी के देखते हैं कौन से ऑर्गन्स हैं और कहाँ कहाँ इनकी जो है पॉइंट्स लोकेटेड है। तो दोस्तों ये जैसा कि आप चित्र में देख सकते हैं, यहाँ पे कुछ पॉइंट्स प्रेजेंट किए गए हैं जो कि अलग अलग जो बॉडी की प्रॉब्लम्स होती हैं उनको रिप्रेजेंट करते हैं। तो अंगूठे में देखिए दोस्तों, लेफ्ट और राइट दोनों पैरों के जो अंगूठे हैं उसमें अगर लेफ्ट साइड पे देखा जाए, यानी कि जो राइट साइड का अंगूठा है उसके लेफ्ट साइड पे और जो लेफ्ट साइड का अंगूठा है उसके राइट साइड पे, ये जो पॉइंट आपको देख रहे हैं जिसको वन से डिमार्क किया गया है, ये जो प्रेशर पॉइंट है ये वरीज के लिए है। अगर आप चिंता में डूबे रहते हैं तो उसके लिए ये प्रेशर पॉइंट है। अगर आप इसको स्टिमुलेट करेंगे या इस पर मसाज देंगे, मसाज थोड़ी सी हार्ड देनी होती है दोस्तों, तो आपको अगर वरीज की प्रॉब्लम है और टेंशन की प्रॉब्लम है तो उसमें आपको राहत मिलनी चाहिए। और अंगूठे के टिप पे, दोनों ही अंगूठे राइट और लेफ्ट फुट के जो अंगूठे हैं, टिप जो है इसका वो आपको दिखाया गया, दो नंबर से उसको रिप्रेजेंट किया गया है। ये हेडेक के लिए है, अगर आप सिरदर्द की समस्या से परेशान हैं तो इसको आप स्टिमुलेट करके देखें, आप इसको प्रेस करके देखें, इस मसाज करके देखें, तो अगर हेडेक की प्रॉब्लम है सिरदर्द की तो आपको इसमें राहत मिलनी चाहिए। और नींद ना आने से अगर परेशान है, इंसोमनिया कहते हैं जिसे, तो तीन नंबर आप देख सकते हैं अंगूठे के नीचे वाली साइड पे, दोनों अंगूठों में इसको डिमार्क किया गया है। तो अगर आप इसको स्टिमुलेट करते हैं तो आपको इंसोमनिया की प्रॉब्लम से छुटकारा मिलना चाहिए। और दोस्तों जो अंगूठे के साथ में उंगली लगती हुई है, जो फर्स्ट फिंगर है पैर की, इसको चार नंबर से रिप्रेजेंट किया गया है। तो ये जो है आपको अगर कोई मेमोरी से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं, मेमोरी लॉस या फिर आपको याददाश्त की कुछ प्रॉब्लम है, तो उसके लिए ये प्रेशर पॉइंट बताया गया है। इसके स्टिमुलेशन से आपको मेमोरी में अगर प्रॉब्लम्स हैं तो उसमें राहत मिलनी चाहिए। और दोस्तों पांच नंबर आपको दो जगह दिखेगा, दो उंगलियां हैं लगातार, ये जो दो उंगलियां हैं इन पे पांच नंबर लेफ्ट और राइट फुट दोनों में कॉमन दिखाया गया है। तो ये अगर कोल्ड और नर्व्स की कोई प्रॉब्लम है तो उसमें आपको राहत मिल सकती है अगर इसकी स्टिमुलेशन या मसाज करते हैं तो। और दोस्तों जो लास्ट फिंगर है पैर की, दोनों पैरों की, छह नंबर जिसको दिखाया गया है, ये अगर एनर्जी की आपको प्रॉब्लम है, आप बहुत सुस्त महसूस करते हैं, एनर्जी की कमी महसूस होती है शरीर में, तो इसकी रेगुलर मसाज से आपको एनर्जी में बढ़ोतरी महसूस होनी चाहिए और आपका शरीर जो सुस्त पड़ा रहता है, कुछ काम करने का मन नहीं करता है, उसमें आपको राहत मिलनी चाहिए और फर्क देखने को मिलना चाहिए। तो दोस्तों ये कुछ प्रेशर पॉइंट्स थे जो कि ये कुछ तीन चार प्रॉब्लम्स हैं इनके लिए बताए गए हैं। दोस्तों इसके अलावा सारा पैर ही इस टाइप के प्रेशर पॉइंट्स से भरा हुआ है। तो आने वाले एपिसोड्स में हम आने वाले वीडियोस में जो बाकी के पैर में प्रेशर पॉइंट्स हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों आपने देखा किस तरह से हम एक छोटी सी मसाज या स्टिमुलेशन से अपनी कुछ प्रॉब्लम से छुटकारा पा सकते हैं। तो दोस्तों एक बहुत ही अच्छी ये जो है इलाज की पद्धति है एक्यूप्रेशर जिसको हम कहते हैं, क्योंकि इसमें कोई मेडिसिन का यूज नहीं होता है, जस्ट पॉइंट्स को स्टिमुलेट करना होता है, पॉइंट्स को दबाना होता है, प्रेशर डालना होता है, और ये बहुत ही इजी है। एक बार पता लग गया तो आप घर पे खुद भी कर सकते हैं और इसके कोई नुकसान नहीं है, कोई साइड इफेक्ट्स नहीं, कोई खर्चा भी नहीं है। तो दोस्तों आप ये जरूर करके देखें, जो इन्फॉर्मेशन आपको दी गई है इसका जरूर लाभ उठाएं, आपको निश्चित रूप से भगवान ने चाहा तो लाभ मिलना चाहिए। और दोस्तों इन्फॉर्मेशन और साथ भी जरूर शेयर करें ताकि और लोग इसका लाभ ले सकें। और ये इन्फॉर्मेशन डिटेल में दोस्तों हमारी वेबसाइट onlyayurved.com पर अवेलेबल है, आप वहां जाकर के इन्फॉर्मेशन डिटेल में देख सकते हैं। और भी बहुत से टॉपिक्स हैं जो आपके काम के होंगे, आप उनको वहां स्टडी कर सकते हैं, उनका भी लाभ ले सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलेंगे शीघ्र एक नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।